subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कुछ एक ऐसी कहानी है जो सत्य है और हमने उसको पर सत्य ही मानकर अपने जीवन को सुचारू करना है, उसके अनुसार हमने चलना होता है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई काहू का पिता नहीं पूतम। एक कथा है कि एक बच्चा, एक व्यक्ति के दो पुत्र थे, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और वो आपस में क्या थे कि बड़ा लड़का जो था वो दूसरी पत्नी से था, उसकी मृत्यु होने के बाद दूसरी शादी कराई तो दूसरा लड़का उसके दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था। तो दोनों ही पत्नियां उसकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और बड़े लड़के की शादी कर दी थी, छोटा भी अनमैरिड था और खुद उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। अब वो छोटा लड़का बड़े लड़के की का विवाह हो चुका था। अब छोटा जो उसकी मौसी का लड़का था वो कुछ दिनों के बाद बीमार हो गया, रोगी हो गया। और रोगी इतना हो गया कि दो चार जगह दिखाया, उसे कोई आराम नहीं हुआ। किसी ने कहीं बताया, किसी ने कहीं बताया, उसमें पैसे ज़्यादा लगने थे। इसलिए बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने एक स्कीम बनाई कि अपने यहाँ काफ़ी संपत्ति है, अच्छी जमीन है, बड़े बड़े मकान हैं, और ये अगर जीवित रहा तेरा भाई, वो खुद बातें करते हैं, यदि ये जीवित रहा तो आधी संपत्ति को प्राप्त करेगा। और अब ये मृत्यु के निकट पहुंच चुका है, इसका इलाज करवाएंगे तो कई काफ़ी पैसे लगेंगे, क्यों ना इसकी मृत्यु ही करवा दें, किसी वैद्य से बात, डॉक्टर से बात करके। दोनों की एक स्कीम होगी, एक राय होगी, और एक वैद्य से प्रार्थना की। वैद्य से उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारा भाई है, उसको आप विष दे दो। वो कहने लगा मैं 500 रुपये लूँगा, क्योंकि तो फिर दो नंबर का काम करनी है तो साथ में अपना भी उद्देश्य रखते हैं। उसमें 500 रुपये आज के 5 लाख के करीब थे, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। उस वैद्य ने उस रोगी को ऐसी दवाई दे दी जिससे उसकी कुछ दिनों में मृत्यु होगी। अंतिम संस्कार किया, खुशी मनाई। एक वर्ष के बाद उन के एक संतान उत्पत्ति होगी, एक लड़का उत्पन्न हुआ, इकलौता पुत्र, और संतान हुई नहीं। इकलौता पुत्र खूब लालन पालन कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया आहार कराते हैं। वो गिने दिनों में वो लड़का युवा हो गया, यानी 10-12 वर्ष के बाद पहले शादी कर देते थे, 12 वर्ष के बच्चे का ब्याह कर दिया करते थे। और 12 वर्ष के लड़के आज के 25 वर्ष 20 वर्ष के बच्चों से भी तगड़े हो जाते थे, ऐसा स्वस्थ शरीर होता था। अब वो लड़का जो है, उस लड़के का भी ब्याह कर दिया। शादी होने के कुछ ही दिन उपरांत वो बच्चा फिर बीमार हो गया, वो उनका लड़का बीमार हो गया। यानी पहले तो भाई बीमार था, उसकी मृत्यु होगी, फिर पुत्र हुआ तो वो पुत्र भी रोगी हो गया कुछ दिनों शादी होने के उपरांत। अब इकलौता पुत्र, उसके जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई झाड़ फूँक करने वाला व्यक्ति भी नहीं छोड़ा। सबके पास गए, जो मुंह मांगा वो पैसा दिया, जो मांगा वही पैसा, कहा तुम मेरा बेटा ठीक कर दो चाहे कितना पैसा लग जाए। अच्छी बहुत कीमती दवाइयाँ लगाई, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सका, बच्चा ज़्यादा ही अस्वस्थ हो गया और ऐसा लगने लग गया कि ये श्याम सवेरे ही प्राण त्यागने वाला है। वो उसके पिताजी वहाँ उसके पास बैठे थे, तब उस लड़के ने कहा कि भाई, अपने भाई का नाम लेकर बोला कि
अब तेरा और मेरा हिसाब हो लिया पूरा, अब तू नू कर, कफन और लकड़ियां क्या हिसाब किताब रहता है वो इकट्ठी कर ले और मैं इव प्राण त्यागूंगा। अब वो कहता है व्यक्ति अपने पुत्र से कि बेटा मैं तेरा बाप हूं, तेरा भाई नहीं लगता। वो कहता मुझे सब पता है तू मेरा क्या लगता है, मैं तेरा भाई हूं और तूने मुझे ऐसे ऐसे विष देकर मारा था और मेरा और तेरा इव हिसाब हो लिया, क्योंकि आधी संपत्ति लगभग जमीन भी गिरवा रख दी थी बच्चे के इलाज के लिए, यानी बेच डाली थी, आधी जमीन भी बेच डाली थी। तब उसने कहा कि तू मैं तेरा वो भाई हूं जिसको तुमने जहर देकर विष देकर मरवाया था और मन्ना अपना हिसाब पूरा कर लिया। अब पुण्यात्मा विचार करना चाहिए ये कथा हो पर 100% सत्य है ये। अब उसके जो भाई कहें या उसका बाप कहें उसको यह बात पक्की जचगी, भाई बिल्कुल आधी संपत्ति बिकगी, सारा पैसा खर्च लग हो गया। तब उसने कहा भाई ठीक है एक बात और बता दे भाई, हमने तो पाप करा में फल मिल गया कि इकलौता पुत्र हमारा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, हमें तो दंड मिल गया क्योंकि हमने आपके साथ धोखा किया, लेकिन इस लड़की का क्या दोष है जो तेरे ब्याही आई है, तेरी पत्नी है, और अब इसको जिंदा जलाया जाएगा सती प्रथा के तहत। उसमें सती प्रथा थी कि पहले पति मर जावे तो लड़की पत्नी साथ मरे, जल के उसी चेता में जलाना होता था, उसको जलना होता था, ऐसी कुरीति थी भयंकर। तो अब इसका क्या दोष है इस बेचारी का, अब ये तेरे साथ जलाई जाएगी जिंदा। तब उसने कहा कि वो वैद कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उसके भाई ने बताया कि वो पिता कहो चाहे भाई कहो, भाई से ही वार्ता हो रही है। उसने बताया कि आपके 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु होगी थी। तब उसने कहा कि ये वही वैद है जो मेरी पत्नी बनकाया है, इसने अपने किए की सजा ही भोगनी पड़ेगी, वैद होकर इसका दुष्ट कर्म कराइए, राक्षस प्राण लेने के लिए नहीं, वैद प्राण दान करने के लिए होते हैं। तो पुण्यात्माओं ये बातें हमें परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को समझने में सहयोग देंगी, ये सत्कर्म मान लेना। यहां परमेश्वर की वाणी बताती है कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता निपुतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम, अब जैसे उस लड़के की जो वो बड़ा भाई था उसने अपने भाई की संपत्ति हड़प ली, उसको मरवा दिया, तो लेने वाला दूत हो गया कि उसने हड़पया और फिर वो लड़का बनकर वही आत्मा आई और उसकी सारी संपत्ति रोग में लवा दी, अब वो देने वाला दूत हो गया। एक दूसरा उदाहरण देते हैं, एक ऐसा बेटा है अपने माता पिता की सेवा करता है और पिताजी गुट्टी लावे और दमकावे और बेटा कुमा कुमा के लावे और बाप की सेवा कर रहे हैं, तो उस बेटे ने किसी जन्म में उस बाप के साथ उस पिता वाली आत्मा से ऐसे ही लूट रखा था किसी भी तरीके से, और एक ऐसा बेटा है पिता कुमा कुमा के मर ले है और बेटा छाती फूक फूक कर दारू पीवे है कि तो कार कटवा ले कि तो मोटरसाइकिल ले आवे और उसको बर्बाद कर रहा है और वो रो रहा है और दे रहा है। तो यहाँ बताते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, तो उस पिता ने उस बेटे वाली आत्मा से कभी किसी जन्म में धोखा किया है। अब तो ये लोग क्या करते हैं, लतरे छोरे लुवा दूंगा 5 लाख रुपये लगेंगे और 1 साल घुमा के कह दे भाई मन्ने के विराग लेता ही दे दिए थे वो 5 लाख रुपये ईब तो ले लिए
और रोने वाला रो रहा है बेचारा। वैसे तो दोनों ही निकम्मे हैं, जब क्यों पंगे में पा दे, भगवान पर विश्वास रखे, दान धर्म करे, मालिक आगे दरिया पावे। फिर अब उसने पैसे हड़प कर लिए, मार लिए, राजी हो गया। पहले तो वो इस सजन में बर्बाद हो लेंगे और फिर रह गए पाप, वो अगले जन्म में उसको और देना पड़ेगा। मनमाना अगले जन्म में वो जो जिसके उसने पैसे रखे हैं, हड़पे हैं, अगले जन्म में कभी जब मानव शरीर होगा, मनमाना जमाई बन के लेगा, बेटी भी ले जाएगा और साथ में पैसे भी लेगा, और ठोक ठोक का बजा के इतने लूंगा, बेटी ने तंग करे फिर लेगा जा फिर ले, मतलब इस तरह पीछे बहुत ऐसी कुरीतियाँ बहुत ज़बरदस्त थी। दारू पीता, लड़की अपनी पत्नी को तंग करता, माता पिता ने सोचे भाई इसका घर बस जाए, फिर और पैसे देते, बेटा तेरा रोजगार हो जाएगा, गुजारा चल जाएगा। लेकिन ये है सब लेन और देन ही, ये फाइनल समझ लेना। तो यहाँ उद्देश्य ये हमारा समझाने का सारी कहानी कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहाँ से आप पीछा छुड़वाओ और उस लोक में चलो जहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, उस सतलोक में चलो। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, कबीर जी स्वयं आकर बताते हैं कि तुम हमारी शरण में आओ। हमारी शरण में आने के बाद तुम्हें यहाँ के जो नकली सुख हैं वो भी देवांगे, अगर आवश्यक हुए तो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।